हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में ये कंटिन्यूएशन है पहले वाली सीरीज़ का। मैंने आप लोगों को मैथ्स के लिए बताया था, फिजिक्स के लिए बताया था कि 45 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। काम अच्छा लग रहा हो तो वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोलिए, जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, और मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लिस्ट लेके आने वाली हूँ तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर आप उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे बताइए कि कितनी डिमांड है, मैं उसके हिसाब से फिर वीडियो बना दूँगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिस्ट टाइप करिएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़, केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए NCERT करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। HSC की बुक्स आप लोगों ने कर ली होगी, जो लोग स्टेट बोर्ड के होंगे। उसके बाद आप लोग एक बार NCERT देखो, NCERT अच्छे से देखो। काफ़ी कुछ केमिस्ट्री का जो होता है वो NCERT में से आता है। NCERT क्या होता है, CBSE की टेक्स्ट बुक्स होती है, ठीक है। आप लोग फ्रेंड से पूछ सकते हो, गूगल कर सकते हो, जिसको नहीं पता होगा कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। NCERT आपको पढ़ना केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपना पॉइंट आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आइडेंटिफाई करो कि क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिजिकल केमिस्ट्री है कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे पहले फिनिश करो। अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो सारे फॉर्मूलेज लर्न करो, और उसके बाद आप लोग उसके सम सॉल्व करो, ठीक है। तो अब मैं आपको हर एक सेक्शन का बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने आपको बताया, फॉर्मूले लर्न करो, फिर सम सॉल्व करो। सम्स कहाँ से सॉल्व करें, HSC बुक्स, NCERT बुक्स, और आपकी टारगेट का कम्पेटिटिव सेक्शन सॉल्व कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। सेकेंड आपका क्या आता है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपको पूरा याद करना है, ठीक है। तो चीज़ें ईजी होती है, थोड़ा सा मेहनत करना है याद करने में, ठीक है। तो उसके भी आप यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस याद करनी है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है, ऑर्गेनिक का GOC जो होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी बेसिक्स, वो अगर आपको समझ में आ गए तो आप आगे की ऑर्गेनिक कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार केमिस्ट्री को लिख लिख के करो, ठीक है, तो उससे आपका अच्छे से हो जाएगा। अभी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए हो केमिस्ट्री के, तो विनीत खत्री सर है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके आप वीडियोज़ रेफर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT मस्ट है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, NCERT करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, अच्छे से याद रखना है, रोज़ाना रिवाइज करो तो अच्छे से आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत इजी होता है, ठीक है, अच्छे से करना है आप लोगों को। कुछ भी डिफिकल्टी अगर आपको फेस हो रही होगी केमिस्ट्री में तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर ले आऊँगी। कुछ भी और डाउट होता है तो बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, लिस्ट कॉमेंट करिएगा। टेक केयर, स्टडी वेल, एंड थैंक यू।